मधुकर जी की लोकेशन के लिए टीम्स लगी हुई हैं, मधुकर जी के ऊपर रिवार्ड घोषित किया गया है और मधुकर जी मुख्य रूप से हम लोग उनकी पूछताछ के अंदर, अगर उनकी भी पूछताछ में कुछ और भी रोल निकल के आता है किसी का भी, तो विल प्रोसीड अकॉर्डिंग। बाबा का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कितने मन में दर्द है पहले की बाबा के आपराधिक इतिहास की जानकारी हम लोग के द्वारा की जा रही है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है वो जानकारी हुई है कि सन 2000 के अंदर ये कांस्टेबल पद से इन्होंने डीआरएस लिया था और ये एसपीआर ऑफिस जो होता है आगरा में वहां पर तैनात थे, वहां से इनके द्वारा डीआरएस लिया गया। तत्कालीन समय में शाहगंज थाना आगरा में इनके ऊपर एक एफआईआर लिखने की बात प्रकाश में आई है, जिसके अंदर बाद के अंदर इसमें एक्विटल हो गया था। इसके अलावा कितने मुकदमे हैं ये जोन लेवल पे, और इसके अलावा जैसा आपने देखा कि इनके अनुयायी देश भर में हैं, तो उनके वहां पर और भी कहीं पे एफआईआर्स हैं क्या, ये चीज हम निकालने के लिए हमारी टीम्स लगी है और इन सब टीमों से, इन सब प्रदेशों से सहयोग लिया जा रहा है। जी मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि कोई दोषी है, नहीं है। मैंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, इन्वेस्टिगेशन एज वी प्रोसीड इफ सम इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेड एविडेंसेस, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के अंदर और भी चीज निकल के आती है तो वी विल प्रोसीड। आज जो है हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि इस चीज को लेकर अलग अलग भ्रामक सूचनाएं चल रही थी कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है या पुलिस की गिरफ्तारी की संख्या इतनी है या इतनी महिलाएं हैं। तो आज आप लोगों से संवाद इसलिए किया गया कि आज की तारीख में ये स्थिति है, जिससे आपको अवगत कराया गया। परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, ठीक है। थैंक यू। दिस इज